बोले हुसैन नाना से मैं गम से चूर हूँ। मदीने से दूर हूँ, मदीने से दूर हूँ, करबल में मेरा कोई नहीं। वक्त पहुंचे पूरी यजीद ने घेर रखा था। इमाम हुसैन कहने लगे, ये क्या, इतनी मोहब्बत से तुम लोगों ने हमें बुलवाया, मैं आ गया, अब मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं, ये फौज को क्यों लगाया। यजीद की आवाज आई के हुसैन, अगर तुम मेरी बात मान लेते तो तुमको राजपाट दे देता। इमाम हुसैन ने कहा, मेरी ठोकरों पे है तेरा राजपाट। सुभान अल्लाह। पहला बंद सुनो, चारों तरफ है तीरों की बौछार देखिए, चारों तरफ है तीरों की बौछार देखिए, नाना जान से। रसूल अल्लाह सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कह रहे, नाना सुनता नहीं है कोई मेरी बात देखिए। क्या जुल्मो सितम को देख के रोता है आसमान, जुल्मो सितम को देख के रोता है आसमान। सुनो मेरे नाना जान, करबल में मेरा कोई नहीं। के बाद मैंने पहले ही बताया सब शहीद हो रहे थे ना, अब ये शेर सुनना। असगर भी नहीं हजरत अकबर भी नहीं है, असगर भी नहीं हजरत अकबर भी नहीं है, परदेश में पड़े है मेरा घर भी नहीं है, परदेश में पड़े पल के लिए, एक पल के लिए दिल को मेरे आता नहीं चैन, एक पल के लिए दिल को मेरे आता नहीं चैन, कहते थे ये हुसैन।
करबल में मेरा कोई इमाम हुसैन तैश में नहीं आते थे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत भाई, क्या बात है, क्या बात हो। एक पल के लिए दिल को मेरे आता नहीं चैन, कहते थे ये हुसैन करबल में मेरा कोई नहीं। पहले जो शहादत पढ़ी सबने सुनी, अब मैं मफहूम वही ला रहा हूँ। सकीना तड़प रही थी, इमाम हुसैन सब मंजर देख रहे थे, जो जाता था। अल्लाह पाक की कसम खा के कह रहा हूँ, छोटे छोटे बच्चे इमाम हुसैन के घर के बड़े दिलेर थे, मगर हुक्म रब्बी ये समझ लो। सकीना कहने लगी, बाबा आप ये लाशें ढो के लाते हैं। इमाम हुसैन के एक बाल सफेद नहीं थे, एक भी बाल सफेद नहीं था। इमाम हुसैन के बाल काले थे, काले। मगर जब हजरत अब्बास को अपने कंधों पे लेके आए, उसी वक्त आपके सारे बाल सफेद हो गए, टूट गए। हजरत अब्बास अलमदार दरियाए फरात पे पहुंच गए थे, सकीना को बहुत देख के उदास हो गए थे। इमाम हुसैन ने कहा, कहाँ जा रहे हो? कहा पानी लेने। मशकीजा टांगे थे, इमाम हुसैन ने कहा नहीं 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 जाओ, ये पूरी फौज जो है ना सब दरिया के किनारे बैठी है और तुम अकेले हो। कहा आका, भाई कभी नहीं कहा था इमाम हुसैन को? अब्बास अलमदार ने कहा, आका इजाजत दे दो, पानी तो ला के रहूंगा। आप पहुंचे घोड़े पे, घोड़ा दरियाए फुरात में डाल दिया। घोड़े से कहा पानी पी ले, घोड़े ने इनकार कर दिया, घोड़े ने पानी नहीं पिया। आप उतरे पानी में, चाहते तो पानी पेट भर के पी सकते थे, आपने एक कतरा नहीं पिया। यजीद की फौज सब देख रही थी, यजीद की फौज देख रही थी, आपने मशकीजा भरा और बाएं बाजू पे टांगा, घोड़े पे बैठे चले। एक तीर ऐसा आया कि जिस पे मशकीजा टंगा था बाजू पे, बायां बाजू, इतना वजनदार तीर था कि कट के गिर गया, हाथ कट के गिर गया। आपने उफ तक नहीं किया, आपने मशकीजा फिर उठाया, दाएं हाथ से टांगा। जब दाएं हाथ पे मशकीजे को टांगा, दूसरा बार आया, वो भी हाथ कट गया। आपने मशकीजे पानी जो भरा था गिरने नहीं दिया, आपने उठा करके दांतों से दाब लिया। इतने तीर आए कि पूरे जिस्म में कोई हिस्सा बाकी नहीं था जहां पर तीर चुभा ना हो। एक तीर आपने आवाज दी, ए कूफियों हिम्मत है तो सामने से मारो, छुप के क्या वार करते हो? मैं तो पानी ले जाऊंगा अपनी सकीना के लिए, मैं पानी में उतरा था, मगर अल्लाह मेरा गवाह, मैंने एक बूंद पानी का नहीं पिया। बस सकीना मेरी अपनी प्यास बुझा दे, बस मैं समझ जाऊंगा अल्लाह मुझसे खुश है, राजी है। बस एक तीर ऐसा आया, जो चीज बाकी थी वहीं पर आके लगा, वो दाहिने आंख में लगा। बस आप घोड़े पे गिर गए, घोड़े पे रहे और खेमे की तरफ घोड़ा लेके आया।
इमाम हुसैन ने देखा, बस कलेजे से लगाया, कहा आका आपका चेहरा धुंधला दिख रहा, धुंधला, ये जरा तीर खींच लो, आँख में बहुत दर्द हो रहा, मेरा पूरे जिस्म में कहीं नहीं हो रहा, मेरे हाथ भी नहीं है, मैं निकाल लेता ये तीर को, आप निकाल दीजिए। इमाम हुसैन जान रहे थे कि अगर तीर को निकाला तो बहुत तड़प जाएगा मेरा ये भाई। आपने कहा तीर नहीं निकालेंगे, सिर्फ अपनी जुबान से भाई कह दो। कहा मैंने भाई कभी जिंदगी में नहीं कहा जब से पैदा हुआ हूं, आका मैंने कहा मरते दम तक आका ही कहूंगा, बस आप तीर निकाल दे। इमाम हुसैन ने जो तीर को खींचा, खून के जो फुहारे निकले इमाम हुसैन के चेहरे मुबारक पे पड़े, आपने अपने कुर्ते से खून को पोंछा और आपके आँखों में हाथ रखा, बस आपका दम निकला। इमाम हुसैन ने पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बस इमाम हुसैन ने घोड़ा निकाला, सफेद सूट पहने थे, अपने वालिद की तलवार निकाली, घोड़े पे सवार बस होने जा रहे थे, सकीना दौड़ के आ गई, बाबा कहाँ जा रहे आप? कहा बेटी बस मैं गया आया। कहा नहीं, जो भी जाता है कोई वापस नहीं आता, बाबा सब चले गए, मैं बहुत छोटी सी हूँ, मैं क्या कर पाऊंगी, अकेले हूँ बाबा, अकेली हूँ। इमाम हुसैन पलटे, कहा बेटी मेरा वादा है, मैं जाऊँगा और बस आ जाऊँगा। सकीना ने कहा बाबा अच्छा ठीक है, आप जा रहे थोड़ा झुक जाइए। इमाम हुसैन जैसे ही झुके सबसे पहले माथा चूमा सकीना ने, फिर उसके बाद ओंठ इमाम हुसैन के चूमे, फिर गला चूमा, फिर दाहिना बाजू, फिर बायां बाजू, फिर सीना चूमा। कहा बाबा जाइए आप घोड़े पे बैठे, एक बार जो तलवार की चलाई सैकड़ों सर कट के गिर गए। वाह। यजीद ने आवाज दी और फौज बुलाओ। इमाम हुसैन ने कहा जितनी तेरी फौज है सब आ जाए। अर्शे बरी पर अल्लाह देख रहा था, बस जोहर जोहर का टाइम हुआ, अजान की आवाज आई कानों में, इमाम हुसैन घोड़े से उतरे और जमीन पे सजदा किया। बस यजीद को मौका मिल गया, उसने इशारा किया, एक शख्स आया, उसका नाम था खूली, उसने पीछे से गर्दन को काट दिया। जब तक के काटता रहा इमाम हुसैन ने अपना सर उठाया नहीं। सुभान अल्लाह। सकीना कहने लगी जाने से पहले बाबा एक बात, जब आप ना रहेंगे तो खेमे जलाएंगे, 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 सारे यजीद मिल के बहुत जुल्म उठाएंगे, सारे यजीद मिल के बहुत जुल्म उठाएंगे। बोली सकीना छोड़ के मत जाओ बाबा जान, बोली सकीना छोड़ के मत जाओ बाबा जान, रुक जाओ बाबा जान, करबल में मेरा कोई नहीं। बोले हुसैन महाना से मैं तुमसे दूर हूँ, मदीने से दूर हूँ,
करबल में मेरा कोई नहीं। हाय हाय हाय, आखिरी बंद है, तवज्जो के साथ सुन रहे हैं माशाल्लाह। ओ बचपन में जो किया था वो वादा निभाएंगे, बचपन में जो किया था वो वादा निभाएंगे, बचपन में जो किया था वो वादा निभाएंगे। सर को कटा के, सर को कटा के दीने मोहम्मद बचाएंगे, सर को कटा के दीने मोहम्मद बचाएंगे, बचाएंगे। मगर सर कट गया, सर कट गया है, सर कट गया, सर कट गया हुसैन का, पढ़ते रहे कुरान। सुभान अल्लाह, सर कट गया हुसैन का, पढ़ते रहे कुरान, सजदे में दी है जान, करबल में मेरा कोई नहीं। भोले हुसैन नाना से मैं तुमसे चूर हूँ, पसीने से दूर हूँ, करबल में मेरा कोई नहीं। भोले हुसैन नाना से मैं तुमसे चूर हूँ, पसीने से दूर हूँ, करबल में मेरा कोई नहीं। या हुसैन अस्सलाम, या हुसैन अस्सलाम, या हुसैन अस्सलाम, या हुसैन अस्सलाम, तुम बिला हो सलाम, और करो हो सलाम, तुम बिला करो सलाम, ले लो सब का सलाम, अस्सलाम अस्सलाम अस्सलाम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।